तो दोस्तों, मेरा नाम है नादिर सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं डीप टेक। आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे रियलमी एक्स टू प्रो का। गाइज, ये वाला डिवाइस हमको जो प्रोवाइड करा वो कैपिटल मोबाइल ने प्रोवाइड करा। अगर आप सीहोर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप जाकर वहाँ से ये परचेस कर सकते हैं। गाइज, इसकी प्राइस है 29,999 एंड आपको रियलमी की ईयरबड्स भी फ्री में देखने को मिल जाएंगे। गाइज, आप बजाज फाइनेंस कार्ड से भी वहाँ पर फाइनेंस करवा सकते हैं। हमारे पास जो वेरियंट है वो है 8128। एक और वेरियंट लॉन्च हुआ है जो है 12256 का, उसकी प्राइस है 33,000 रुपये। सो गाइज, चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको 20 दिन तक यूज़ करा, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। गाइज, यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको टीपीयू केस देखने को मिल जाएगा ग्रे कलर का, जो कि बहुत ही सॉलिड है। आपका फोन इसमें बहुत ही प्रोटेक्टेड रहेगा एंड जो कैमरा बम्प उचकता है डायरेक्ट इसको लगाने के बाद, आपका कैमरा बम्प भी नहीं उचकेगा। सो गाइज, ये बहुत ही अच्छी बात है कि रियलमी आपको पहले से प्रोवाइड करता है टीपीयू केस। गाइज, बॉक्स के अंदर आपको 50 वॉट का वूक चार्जर भी देखने को मिल जाता है, सुपर वूक चार्जर जो कि रियलमी ने प्रोवाइड करवाया है। गाइज, ये वाला चार्जर आपके फ़ोन को मात्र 30 मिनट में फुली चार्ज कर देता है। गाइज, यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाएगी व्हाइट कलर की एंड गाइज, केबल के नीचे आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज, बॉक्स ओपन करते से ही आपको ये वाला बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपका टीपीयू केस आता है एंड कुछ यूजर मैनुअल आती है। गाइज, यहाँ पर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आपको बैक साइड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे की ग्रिल में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगी चार्जिंग के लिए, एक माइक देखने को मिल जाएगा एंड होपफुली गाइस में आपको हेडफोन जैक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। गाइस, राइट हैंड साइड आपको सिम होल देखने को मिल जाएगा एंड एक येलो कलर के टिंट के साथ पावर बटन भी देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, लेफ्ट हैंड साइड आपको वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको सिर्फ एक नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलेगा, IR ब्लास्टर यहाँ पर मिसिंग है। इसका जो फ्रेम है वो पूरा मेटल का, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देता है। गाइस, यहाँ पर सामने की तरफ आपको डॉल्बी एटमॉस का एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आपको सामने की तरफ मिल जाएगा। गाइस, का वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा है, इसका वेट चेक कर लेते हैं। गाइस, का वेट आपको देखने को मिल जाएगा 202 ग्राम्स। गाइज, यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। प्रोटेक्शन आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का मिल जाएगा। सस्टेन ब्राइटनेस आपको 500 निट्स तक मिल जाएगी एंड 1000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। गाइज, डिस्प्ले बहुत शार्प है, व्यू एंगल भी गुड है एंड कलर सेचुरेटेड दिखते हैं। स्पेशल बात यह है कि गाइज, इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 60 Hz की जगह आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिल जाएगा, जो आपके टच को बहुत ही फ्लूइड बना देता है। गाइज, इसको आप अंदर से ऑन कर सकते हैं एंड ये आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, यहाँ पर कैमरे में आपको ये समझ में नहीं आएगा। गाइज, यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो आपको ऑप्टिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा एंड फेस लॉक भी देखने को मिल जाएगा। ये दोनों बहुत ही फास्ट है एंड बहुत ही एक्यूरेट। मैं आपको करके बताता हूँ इसका एग्जांपल। ये देखिए आप, जैसे मैं इस पे हाथ रखता हूँ एंड अपने आप ये ओपन हो जाता है। गाइज, सबसे अच्छी बात है कि आपको लॉक स्क्रीन दबाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओपन हो जाता है। यही बात करते हैं फेस लॉक की, तो वो भी बहुत ही एक्यूरेट एंड बहुत फास्ट है। गाइज, ये देखिए आप, जैसे मैं इसकी तरफ देखूंगा ये अपने आप ओपन हो जाता है थैंक्स टू 16 मेगापिक्सल कैमरा। गाइज, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें रेस टू वेकअप का भी फीचर दिया हुआ है। आप बस जैसे ही पॉकेट से बाहर निकालेंगे ये अपने आप ओपन हो जाएगा विदाउट पावर बटन क्लिक करें। सो गाइज, आपके क्या थॉट्स हैं इस फीचर के बारे में एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइज, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑडियो प्लेबैक की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा साउंड सुनने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ आपको स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, आप खुद ही जज करिएगा कि आपको साउंड कैसा लगा। गाइज, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइज, यहाँ पर वीडियो प्लेबैक की बात करें तो आपको HDR10+ का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाएगा एंड बहुत ही अच्छे व्यू एंगल भी आपको इसमें मिल जाएंगे। गाइज, ये वाला फीचर मेरा फेवरेट फीचर, इसमें आपको टेक्टाइल लीनियर वाइब्रेशन मोटर देखने को मिलती है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा हैप्टिक फीडबैक देती है। गाइज, आपका वाइब्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आपको ऐसा लगता है, मतलब बहुत अच्छा फील देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड गाइज, अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं इन डेप्थ रिव्यू आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गाइज, यहाँ पर दूसरे फेवरेट फीचर की बात करें तो आपको यहाँ पर 50 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है एंड 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। गाइज, ये मात्र 30 मिनट में आपके फ़ोन को चार्ज कर देती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताता है कि कितने परसेंट बैटरी बढ़ रही है। गाइज, यहाँ पर आपको मेंशन होता है, देखिए आप, परसेंट पॉइंट परसेंट में यहाँ पर बैटरी बढ़ रही है। लिटरली बहुत ही फास्ट चार्जिंग स्पीड है इसकी, मात्र 30 मिनट में आपका फ़ोन 4000 mAh की बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। तो गाइज, आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। यहाँ पर एडिशनल फीचर
फीचर्स की बात करें तो आपको कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब आप इसमें गूगल का कैमरा आराम से इंस्टॉल करके यूज़ कर पाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स। एंड गाइज यहाँ पर वीडियो प्लेबैक की बात करें तो नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम पर आप HD प्लस कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वाइड वन एल वन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स कलर OS 6 देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड पाई पर। गाइज यहाँ पर बात करते हैं, मुझे वाईफाई में एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली। यहाँ पर एक टॉगल मिलता है आपको वाईफाई एलोकेशन का, इससे क्या होता है बेसिकली आप जो सा टास्क कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा स्पीड देता है। सो गाइज जैसे कि मैं पब्जी खेल रहा हूँ, कुछ डाउनलोडिंग पर भी लगा रखा है मैंने, तो पब्जी में मुझे ज़्यादा स्पीड आएगी एंड डाउनलोडिंग में वहाँ पर वो कम स्पीड कर देगा। सो गाइज मुझे पर्सनली ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा। एंड दो ऑप्शन और आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें स्मार्ट एलोकेशन में। गाइज बेसिकली क्या हुआ, पहले वाले ऑप्शन से आप मोबाइल डेटा एंड वाईफाई दोनों एक साथ यूज़ करके स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी। एंड दूसरे वाले टॉगल को अगर आप ओपन करते हैं तो गाइज आप एक साथ दो वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। गाइज आप सोच नहीं सकते आपको कितनी अच्छी स्पीड मिलने वाली है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। एंड गाइज वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें। गाइज यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है। गाइज यहाँ पर इसके AnTuTu बेंचमार्क की बात करें तो आपको इसका स्कोर देखने को मिल जाएगा 4,67,000। यहाँ पर आपको रैम भी लेटेस्ट वाली मिल रही है LPDDR4X। यहाँ पर बात करते हैं इसके स्टोरेज टाइप की तो आपको UFS 3.0 देखने को मिल जाएगी। गाइज ये वाला फ़ोन आराम से हैवी टास्क करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कैपेबल है, आप कोई सा भी टास्क से कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, वीडियो रेंडरिंग हो, या आपको गेम खेलना। गाइज मैं आपको ग्राफिक्स की बात करूँ तो आपको Adreno 640 GPU देखने को मिलता है, जो पब्जी को HDR प्लस एक्सट्रीम पर आराम से चलाते थे। बहुत जल्दी Realme X2 Pro का मैं गेमिंग टेस्ट भी डालने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं पब्जी वाला रिव्यू डालूँ X2 Pro का तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। गाइज यहाँ पर कैमरा सेक्शन की बात करें तो आपको 64 MP का पहला कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको Realme XT में भी मिलता है। जिन यहाँ पर 2 MP का आपको डेडिकेटेड मैक्रो लेंस मिल जाएगा, 13 MP का टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा। गाइज इसमें 2x ऑप्टिकल, 5x हाइब्रिड एंड 20x डिजिटल जूम भी है। यहाँ पर बात करते हैं 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर भी इसमें देखने को मिल जाएगा। गाइज मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं, लेट्स चेक आउट। गाइज ये कुछ मैंने मैक्रो शॉट लिए हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा पास से लेने से, मतलब मैक्रो लेने से थोड़ा ओवर एक्सपोज हो जाता है। यहाँ पर मैंने 60 FPS पे वीडियो भी बनाई है, 4K 60 FPS पे, आप देख सकते हैं वीडियो में फोकस में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन गाइज जब आप वीडियो बनाते हैं थोड़ा कलर आपको एक्यूरेट नहीं दिखते। Realme को उस पर वर्क करना चाहिए, उनके कैमरा एप्लीकेशन में थोड़ा वर्क करके उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। गाइज हो सकता है कि गूगल कैमरे से जब मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छी बने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं गूगल कैमरा पर इसका Realme X2 Pro का रिव्यू। गाइज ये जो शॉट है वो 64 MP से लिया गया है, आपको कोई भी इसमें डिटेल की मिसिंग देखने को नहीं मिलेगी, कलर टोन भी बहुत अच्छी आती है एंड डिटेल भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। गाइज ये वाला जो दूसरा फोटो है, गाइज ये 2x ऑप्टिकल जूम पर लिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें भी आपको डिटेल की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये वाला फोटो आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको डिटेल की कमी देखने को नहीं मिलेगी, 64 MP से लिया गया, कितना भी जूम कर लीजिए आपको एक भी पिक्सल फटा हुआ नहीं दिखेगा। गाइज कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर आप लाइटिंग कंडीशन में लेते हैं तो थोड़ा सा ये ओवर एक्सपोज हो जाता है, बाकी का अगर आप लाइट देख के फोटो लेंगे तो आपका फोटो बहुत अच्छा आएगा। गाइज यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि आप इस वाले फ़ोन से HDR वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, एंड दूसरा फीचर ये है कि आप जो अल्ट्रा वाइड कैमरा उससे भी 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं, आपको इसमें सुपर स्टेडी स्टेबलाइजेशन का मोड देखने को मिलता है, जिससे आपकी जो वीडियो रहती है वो बहुत ही स्टेबलाइज बनती है। गाइज बस एक ही दिक्कत है, जब आप वीडियो बनाते हो तो कलर इतने अच्छे नहीं आते, हो सकता है आने वाले अपडेट में रियलमी इसको भी इम्प्रूव कर दे। गाइज इस फ़ोन को मैंने स्ट्रेट 20 दिन यूज़ करा, मुझे परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, चाहे वो पबजी गेम प्ले हो या वीडियो रेंडरिंग का काम हो या कोई हेवियर टास्क हो या थोड़ा सा नॉर्मल टास्क हो। गाइज ये फ़ोन आराम से सारे टास्क हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। गाइज यहाँ पर बात करते हैं इसके कॉन्स की, कि इसमें आपको कुछ खामियाँ हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको इसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलेगी, कलर OS 7 पे आना चाहिए था, अभी ये कलर OS 6 पे है। यहाँ पर बात करते हैं, आपको एक्सपेंडेबल माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पर कैमरा में भी बहुत इंप्रूवमेंट बाकी है, अगर आप ये सब चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट फोन हो सकता है। एंड गाइज जैसे भी रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी Realme X2 Pro का 6GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइस होगा 25,000 to 26,000। गाइज आप उस वाले वेरियंट के बारे में भी सोच सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रैम नहीं चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। एंड अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। एंड गाइज बहुत जल्दी इसका पबजी का भी गेम प्ले आने वाला है, तो आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।